हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग और कैसा चल रहा है यार आप लोग का रैंक पुश, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस इस वाले वीडियो में एक ही मैच रहने वाला है, वो रे वाला मैच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गया था और मेरा टीयर चल रहा था कॉन्करर और मैं शायद टॉप 100 से बाहर निकल गया हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं इवेंट पे कूद गया था और यहाँ पे गन नहीं दिख रही थी, सामने गन दिख गई, अब देखना। अब यहाँ पे ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे बट दोनों को मैंने मार दिया और 2 किल फ्री का भी दिया था अपने को। अब यहाँ पे जो सामने बंदा है ना उसके साथ थोड़ी लंबी फाइट चलती है बट ये वाली फाइट में आप लोग को मजा आएगा, बट यहाँ पे ना मैं मर जाता हूँ, देखना कैसे मरता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता था ये वाला बंदा मेरे ऊपर पुश कर देगा बट मेरे हाथ में डांसिंग ग्रेनेड था तो मैं फायर भी नहीं कर पाया और इस वाले बंदे ने मेरे को अच्छा खासा सा डैमेज दे दिया था। फिर यहाँ पे जैसे गन निकलता हूँ तो वाला बंदा मेरे को मार देता है। अब यहाँ पे मेरे को फार्म के साइड फेंक दिया था और यहाँ पे मेरे को गाड़ी मिल जाती, फिर मैं गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। अब देखना मैं कहाँ पे जाके लूट करता हूँ। अब मैं लेम्बो लेकर सीधा यस नए के पीछे की साइड आ जाता हूँ और यहाँ पे जो छोटे छोटे घर है ना वो सब लूट लूंगा और यहाँ पे अपनी लूट भी कम्प्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे अपनी लूट भी कंप्लीट हो गई थी और एक जोन भी शिफ्ट हो गया था तो मैं सोचा चलो अभी बंदे मारते हैं। और यहाँ पे सामने की साइड एक पेट्रोल पंप पे बग्गी दिख जाती और यहाँ पे एक बंदा भी रहता है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्लोज जाता ना तो ये वाला बंदा अंदर था बट बाहर निकल रहा था तो मैं समझ गया था ये वाला बंदा पक्का मेरे ऊपर स्प्रे लेगा और मैं दूर से रोटेशन मार लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखना इसके साथ मैं क्या करने वाला वो। अब ये वाला बंदा मेरे को स्पॉट हो गया था बट ये वाला बंदा ने यहाँ पे कुछ मंगवा रहा था शॉप से तो यहाँ पे मैं इसको अच्छा खासा सा डैमेज दे देता हूँ बट किल नहीं मिलता मेरे को और फिर मैं गाड़ी का टायर फोड़ देता हूँ। फिर ये ना आगे जाके थोड़ा होल्ड करता हूँ। अब ये वाला बंदा क्या करता है वो देखना गाइस, और ये वाली गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। अब यहाँ पे ना मैं चुपचाप लेट गया था बट मेरे को हल्का हल्का बग्गी का साउंड आ रहा था तो ये वाला बंदा बग्गी चेंज करने आता है। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा स्प्रे चौक किया बट यहाँ पे देखो अब तो यहाँ पे इस वाले बंदे को भी आराम से किल कर देते हैं। फिर इसका ग्रेट में लूट लेता हूँ क्योंकि अपने पास बहुत कम लूट थी। अब यहाँ पे ना इस वाले बंदे को काफी डैमेज दिया था बट ये वाला बंदा भाग जाता है। फिर मैं भी वहां से निकल गया था और यहाँ पे जोन शिफ्ट का वेट कर रहा था और यहाँ पे जोन भी शिफ्ट हो जाता है और मैं सोचा चलो अपन तो सेंटर में बट यहाँ पे अच्छा कंपाउंड पकड़ लेते तो मैं ना इस वाले घर पे आ जाता हूँ। ये वाला घर ना पूरा सेंटर में था तो मैं सोचा चलो अभी जोन नहीं हटता है तब तक यहीं पे होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट वेट किया बट यहाँ पे ना गाड़ी का रोटेशन आता है और ये वाला बंदा सीधा पुश कर दिया था, देखना। अब यहाँ पे इस वाले बंदे के साथ थोड़ी लंबी फाइट होगी तो आप लोग फाइट एंजॉय करो, काफी मजा आएगा आप लोग को। अब गाइस ये वाला बंदा ना काफी अच्छा खेल रहा था बट जैसे तैसे करके इसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा 5 किल हो गया था और अभी भी 25 बंदे लाए थे और मैं पूरा जोन के एज पे आ गया था। अब यहाँ पे जो सामने की साइड सेक है ना वहाँ पे एक बंदा लेटा था तो इस बंदे के साथ थोड़ा मैं टाइम पास करता हूँ, अब देखना मजा आएगा आप लोग को देखने में भी।
अभी यहाँ पे इस वाले बंदे के साथ काफी ज्यादा टाइम पास कर लिया था और यहाँ पे जोन भी शिफ्ट हो जाता है और मेरे को जोन में भी जाना था। अब यहाँ पे ना मैं गाड़ी के ऊपर स्मोक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं जोन के अंदर एक शेक देखा था और मेरे को नहीं पता है उधर बंदा है या नहीं है। अब यहाँ पे एक मिनट बचा था, फिर भी यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और सीधा वो शेक पे जाके ठोक देता हूँ, बट वहाँ पे क्या सीन होता है वो देखना। अब वैसे यहाँ पे मेरे को नहीं पता था यहाँ पे कोई होगा, क्योंकि यार दूर से तो गाड़ी वगैरह नहीं दिख रही थी, बट जैसे मैं क्लोज आता हूँ ना ते वाला बंदा जैसे दरवाजा खोलता है फिर समझ गया था भाई इधर एक बंदा है और इस वाले बंदे के साथ आराम से मैंने फाइट ली। एंड यहाँ पे इस वाले बंदे को आराम से अपन किल भी कर देते, फिर इस वाले सेक में अपन होल्ड करते। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जोन भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था और मैं सोचा चलो अपन इसका क्रेट लूट लेते, क्या पता इसमें से कुछ अच्छा मिल जाए। और यहाँ पे मेरे को लेवल 3 का वेस्ट मिल गया और नेट वगैरह मिल गया था और यहाँ पे जोन भी शिफ्ट हो गया था और मेरे को थोड़ा बहुत जोन में भी जाना है। मैं वहाँ से तो निकल जाता हूँ और ये वाले पेड़ पे रुक जाता हूँ क्योंकि ये वाला पेड़ जोन में था और यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे को पीछे से गाड़ी का साउंड आता है और यहाँ पे देखना अब यहाँ पे आप लोग किल फिट देखो, एक बंदा नेट से मरा और एक बंदा जोन से मर गया था, तो जो गाड़ी लेके बंदा जा रहा था ना वो जोन से मर गया, मेरे को पक्का पता है। और यहाँ पे अभी दो ही बंदे अलाउ थे। अब गाइस ये वाला जोन भी अपने ऊपर ही था तो अपन यहीं पे होल्ड करते हैं। और यहाँ पे ना ऊपर की साइड एक स्मोक दिख गया था और वहाँ पे एक बंदा भी स्पॉट होता है, बट ये वाला बंदा क्या गलती करता है वो देखना। अब यहाँ पे ना इस वाले बंदे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, देखो स्मोक तो किया बट स्मोक के अंदर नहीं बैठा, वो थोड़ा बाहर की साइड बैठा, वो नीचे की साइड तो देखा ही नहीं और मैं नीचे की साइड लेटा था तो इसको आराम से मार दिया, मेरे को अच्छा एंगल मिला था मारने के लिए। अब गैस यहाँ पे लास्ट बंदा बचता है, वो वाला चिकन डिनर कोड लेके जाता है, वो भी देख लेना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब मार देना।